तो यहां पे तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये मैग्नेटिक मैग्नेटिकमिलिटी है क्या चीज तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक मैग्नेटिकबिलिटी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी से पास होने की एबिलिटी देखिए जब हम किसी भी मैटेयल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस करके इसके आर पार बाहर निकलता है अब कोई भी मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से कितना पास होने देगा इसका जो मेजरमेंट है उसे ही मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीबिलिटी कहा जाता है और इसे हम म्यू के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिस मटेरियल की मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएलिटी ज्यादा होती है उसमें से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इजीली पास हो पाता है अब कोई भी मटेरियल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से किस लिमिट तक पास होने देगा इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसे रिलेटिव मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएबिलिटी कहा जाता है और इसे हम म्यू आर के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली बोले तो किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएबिलिटी और फ्री स्पेस या वैक्यूम की मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएबिलिटी का जो रेशो होता है उसे रिलेटिव मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएबिलिटी कहा जाता है यानी कि हम लिख सकते हैं म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट यहाँ पे म्यू उस मटेरियल की मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएबिलिटी है जिसकी रिलेटिव मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं और ये जो म्यू नोट है ये एयर या वैक्यूम की मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएलिटी होती है जिसे हम मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है फोर पाई इंटू टेन एस टू पावर माइनस सेवन वेबर पर एम्पियर ये वैल्यू तो तुम लोगों को अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये वैल्यू आपके काफी काम आएगी यहां पर हमको याद रखना है कि जो मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएबिलिटी है इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती है ये बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू है डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो रिलेटिव मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएबिलिटी है इसकी वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होती है फॉर एग्जाम्पल एयर या वैक्यूम के लिए जो रिलेटिव मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएबिलिटी है इसकी वैल्यू वन होती है जबकि जो सॉफ्ट आयरन है उसके लिए रिलेटिव मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएबिलिटी की वैल्यू एट थाउजेंड होती है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएबिलिटी को हम मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं देखिए जब हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है और अपने अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है यहां पर मान लेते हैं कि मटेरियल के ऊपर अप्लाई होने वाला जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वह है बी नोट और मेटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वह है बी अब इस मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशो होता है उसे ही उस मटेरियल की रिलेटिव मैग्नेटिक मैग्नेटिकबिलिटी कहा जाता है यानी कि हम लिख सकते हैं म्यू आर इक्वल्स टू बी अपॉन बी नोट यानी कि यहां पर हमने देखा कि जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी है उसके दो फॉर्मले हैं पहला फॉर्मला है म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नोट और दूसरा फॉर्मुला है म्यू आर इक्वल टू बी अपॉन बी नोट देखो नेचर के अंदर जो अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनके लिए रिलेटिव मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएबिलिटी की वैल्यू भी अलग अलग होती है और किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव मैग्नेटिक परमियबिलिटी की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल जिन मटेरियल्स के लिए म्यूआर यानी कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमीएबिलिटी की वैल्यू वन होती है उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है क्योंकि इन मटेरियल्स के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता इसके एग्जाम्पल हैं एयर कॉटन ग्लास वुड प्लास्टिक माइका रबर एटसेट्रा अब ऐसे मटेरियल्स जिनके लिए म्यूआर यानी कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमीएबिलिटी की वैल्यू नॉट इक्वल टू वन होती है उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है इन मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऐसे मटेरियल्स जिनके लिए म्यूआर की वैल्यू लेस देन वन होती है उन्हें डाया मैग्नेटिक कहा जाता है ये मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड के अपने अंदर से पास होने का अपोजिशन करते हैं इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एंटीमनी बिस्मिथ कॉपर क्वार्ट्स वोटर एटसेट्रा इसी तरह से जिन मैटेयल्स के लिए म्यूआर की वैल्यू वन से थोड़ी सी ज्यादा होती है उन्हें पैरा मैग्नेटिक कहा जाता है इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एल्यूमिनियम क्रोमियम मैंगनीज लिथियम प्लेटिनम एटसेट्रा लेकिन ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स जिनके लिए म्यूआर की वैल्यू वन से बहुत बहुत ज्यादा होती है उन्हें फेरो मैग्नेटिक मेटेरियल्स कहा जाता है ये मटेरियल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से इजीली पास होने देते हैं इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आयरन कोबाल्ट निकल और इनके एलॉयज तो चलो अब हम बात करते हैं कि ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है देखिए ये जो टर्म है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा होती है देखिए जब हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करता है अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक मटेरियल को किस डिग्री या लिमिट तक मैग्नेटाइज कर पाएगा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसे ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहा जाता है यानी कि ये टर्म हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की किसी मैग्नेटिक मैटेरियल को मैग्नेटाइज करने की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है और इसे हम एच के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं अब हम देखते हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे तो देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी बीनोट और मैग्नेटिक मैग्नेटिकमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि म्यू म्यूनोट का जो रेशो होता है उसे उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहा जाता है यानी कि हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इक्वल्स टू बी बीनोट अपॉन म्यू म्यूनोट यहां पर बीनोट का मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और का मतलब है मैग्नेटिक ऑफ फ्री स्पेस जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है इसे हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं जब हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो यह मैग्नेटाइज हो जाता है तो मैग्नेटाइज होने के बाद इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी और इस की मैग्नेटिक मेटेरियलिटी म्यू का जो रेशियो होता है उसे ही इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक इंटेंसिटी या अप्लाई मतलब करने के बाद मेटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड और म्यू का मतलब है इस मेटेरियल की मैग्नेटिकमीबिलिटी ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर तो गाइज इस वीडियो में हमने मैग्नेटिज्म के अंदर यूज होने वाली दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया इसमें से पहली टर्म थी मैग्नेटिक मैग्नेटिकबिलिटी और दूसरी टर्म थी मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय